गाइस, क्या आपके पीसी में भी GTA 5 कुछ इस तरीके से चलता है? और आपको उसे कुछ इस तरीके से चलाना है? तो गाइस, आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं प्रीतम। वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुराने पीसी में, पुराने लैपटॉप में GTA 5 को इजीली कैसे रन कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, क्या आप सोच रहे हैं कि आपको अपना रैम अपग्रेड करना चाहिए? तो गाइस, अब बिल्कुल भी गलत है। या फिर आपको GPU डलवाना पड़ेगा, कुछ अच्छा वाला, कुछ ज़्यादा, मतलब बहुत हाई GPU आपको चाहिए। तो गाइस, अब बिल्कुल भी गलत है। आपको मतलब अगर हाई गेमिंग करना है तो आप बहुत महंगा पीसी ले सकते हैं, अगर आपके बजट में है तो। तो गाइस, अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ एक SSD लेना है। आप रैम, पहले आपका अगर 2GB रैम है तो आप उसे 4GB कर सकते हैं, लेकिन आपका 4GB है तो आप उसे 8GB करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले SSD में इन्वेस्ट करना है, आपको रैम में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में SSD के बारे में बनाने वाला हूँ। तो गाइज, अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज, मैं SSD के बारे में आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो गाइज, SSD एक ऐसी चीज़ है जो नहीं कि आपके जो नॉर्मल SSD है ना, उससे 40x फास्टर होगी। मतलब आपने अगर अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में SSD लगाया है तो उसे आप, मतलब अगर आप उस SSD से ये मतलब ये करते हैं तो फिर आपका जो कंप्यूटर है वो 40x फास्टर चलेगा, 40x। तो गाइज, आप मतलब देख सकते हैं उसके पैकेजिंग पर भी लिखी रहती है कि 40x। तो गाइज, मैंने ये मतलब अपने लैपटॉप में लगाया तो गाइज, मुझे पता है कि इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो गाइज, मैं पहले रैम भी अपग्रेड कर चुका था मैंने, लेकिन फिर मैंने चेक किया अपना 4GB वाला रैम डालकर, फिर वापस मैंने 8GB वाला रैम डाल के लगाया, लेकिन मुझे रैम से ज़्यादा मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन SSD जब मैंने लगाया ना, तब मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा मेरे मैं GTA 5 के प्लेइंग पर। तो गाइज, अगर आपको भी GTA 5 अपने PC या लैपटॉप में, पुराने लैपटॉप में, मेरा तो लैपटॉप 7 या 8 साल पुराना है, तो गाइज, अगर आप उसमें खेलें तो SSD इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो गाइज, मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आप SSD लगाएंगे और रैम लगाएंगे ना, तो आपको दोनों में जो मतलब डिफरेंस दिखेगा ना, वो SSD में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो गाइज, मैं उसके बेंचमार्क्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, आपने बेंचमार्क्स देख ही लिया होगा कि HDD और SSD में काफ़ी अंतर है बेंचमार्क्स में। आप देखकर मतलब पता कर सकते हैं। आप अगर आपने अगर नहीं देखा, स्किप कर दिया वीडियो, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।